नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मोहन यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहन यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हूँ, वैसे बाबा महाकाल की कृपा से स्वस्थ हूँ। मोहन यादव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रदेश के कई नेताओं पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। पिछले हफ्ते मोहन यादव ने प्रदेश के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। उनके संपर्क में आए नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरे बड़े नेताओं पर भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। मोहन यादव 17 अगस्त को उज्जैन में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंच पर थे। मोहन यादव ने उज्जैन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया था। वो पूरे दिन उज्जैन में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहन यादव के घर भी गए थे और काल भैरव मंदिर भी। इतना ही नहीं, मोहन यादव ने 3 दिनों में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से इंदौर में मुलाकात की है। बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इससे पहले कोरोना हो चुका है। वो जून महीने में महामारी की चपेट में आए थे। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज भी चला था। सिंधिया के साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री, बीजेपी सांसद अनिल फिजोरिया और कई बड़े नेताओं से मिले थे। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया था। यही नहीं, 17 अगस्त को मोहन यादव के संपर्क में सैकड़ों लोग आए। मोहन यादव के साथ ही शिवराज सरकार के कोरोना संक्रमित मंत्रियों की संख्या अब 5 हो गई है। इससे पहले अरविंद भदौरिया, तुलसी सिलावट, राम खिलावन पटेल और विश्वास सारंग को कोरोना हुआ है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहले ही कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। मोहन यादव के कोरोना पॉजिटिव होने पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, भगवान महाकाल उन्हें शीघ्र स्वस्थ करें। लेकिन महाकाल सवारी में उनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन में जाना चाहिए, जैसा कि केंद्र और राज्य सरकार का प्रोटोकॉल और नियम है। क्या किया जाएगा देखते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाजपा राज में कानून और नियम जनता के लिए हैं, भाजपा नेताओं के लिए नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।